मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो कि है अगारो का ये डिजिटल एयर फ्रायर। इसमें आप लो ऑयल रेसिपी बना सकते हैं, पिज्जा, केक, फ्रेंच फ्राइज से लेकर बहुत तरह के स्नैक्स इसमें आप बना सकते हैं। तो आज मैं इस प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू भी आपको दूंगी, साथ ही मैं आपको कुछ इसमें ऑयल फ्री रेसिपी भी बना करके दिखाऊंगी। तो आज के समय में सभी लोग हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आई होप आपको आज का ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। तो ये है अगारो का डिजिटल एयर फ्रायर जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ब्लैक एंड स्टील में इसकी बॉडी है। इसमें 12 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। टाइमर आपको 90 मिनट तक का मिल जाता है और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 80 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 3D हीटिंग टेक्नोलॉजी है इसमें, यानी कि 360 डिग्री पर इसमें कुकिंग होती है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 37 सेंटीमीटर और साइड्स में जो इसकी चौड़ाई है वो है 38 सेंटीमीटर। ये ऑल इन वन है, प्रोडक्ट एक है लेकिन ये साथ में आपको अवन, OTG, टोस्टर, ग्रिलर और एयर फ्रायर का काम भी करता है। इसमें आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जैसे रोटेसरी और डिहाइड्रेट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और अदर अगर आप एयर फ्रायर लेते हैं तो उसमें ये फीचर्स आपको नहीं मिलता है। इस एयर फ्रायर में आप एक नहीं हजारों तरह की रेसिपी बना सकते हैं जैसे केक, कुकीज, मफिन्स, फ्रेंच फ्राइज, अंकल चिप्स, सैंडविच, पकौड़ा, टिक्की, रोस्टेड चिकन, कबाब और भी ढेर सारी रेसिपी जिसको आप लो ऑयल या फिर ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें ऊपर की तरफ दिया गया है डिजिटल कंट्रोल पैनल जिसमें आपको LED स्क्रीन मिल जाती है जिससे आसानी से आप इन सारे फंक्शंस को देख सकते हैं। साथ ही में आपको ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाती है और अंदर आपको एक LED लाइट मिल जाती है जिसकी मदद से आप बाहर से ही अपनी रेसिपी को चेक कर सकते हैं। बस आपको लाइट मोड ऑन करना है और लाइट जलने लगेगी और आराम से क्लियरली आप रेसिपी देख सकते हैं। तो आइए अब इस डिजिटल कंट्रोल पैनल को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 कुकिंग प्रीसेट मेनू मिलते हैं और 3 कुकिंग फंक्शन मेनू मिलते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली 185 डिग्री टेम्परेचर ले लेगा और टाइमिंग 15 मिनट की लेगा। ये अपने आप ही लेता है, बकाया आपको सेट करनी पड़ेगी अपनी रेसिपी के हिसाब से। इसमें खास बात ये है, अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी रेसिपी किस टेम्परेचर पर कुक होती है तो इसमें अपने आप ही इन्होंने 9 कुकिंग प्रीसेट मेनू दिए गए हैं। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से इनको सिलेक्ट कर लीजिए तो वो ऑटोमेटिकली टाइम और टेम्परेचर ले लेगा। तो साइड्स में आपको सबसे पहले प्लस और माइनस बटन नज़र आ रहा होगा तो इससे आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और माइनस से घटा सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर 80 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इस तरफ जो प्लस माइनस बटन आपको नज़र आ रहे हैं इससे आप टाइमिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसकी टाइमिंग आप 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे तक की रख सकते हैं। ये जो बीच में आपको बटन नज़र आ रहे हैं ये होते हैं कुकिंग प्रीसेट मेनू, अपनी रेसिपी के हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको भी मैं बता देती हूँ। तो जैसे पहला जो बटन है ये है फ्रेंच फ्राइज का। आपको फ्रेंच फ्राइज बनाना हुआ तो कुछ नहीं करना, आपको इसको ऑन करना है और फ्रेंच फ्राइज वाले बटन को दबा देना है। तो ये अपने आप ही इसने देखिए 200 डिग्री का टेम्परेचर ले लिया और 15 मिनट की इसने टाइमिंग ले ली है। दूसरा जो है स्ट्रीक बनाना हो, तीसरा फिश बनानी हो, श्रिम्प बनाना हो, साइड में ये जो पिज़्ज़ा का बटन भी इसमें दिया गया है, पिज़्ज़ा बनाना हो सीधे इसको दबाना है आप। और साइड में इन्होंने एक फंक्शन दिया है प्री हीट का, ये बहुत अच्छा है। ऐसे आपको केक एक बनाना हो तो उसके लिए आपको ओवन हो या एयर फ्रायर हो उसको प्री हीट करना होता है तो इससे आप प्री हीट भी कर सकते हैं। नीचे इसमें चिकन बेकिंग, बेकिंग में केक वगैरह आते हैं जिसके लिए हम प्री हीट करेंगे। साथ ही में रोटेसरी मोड, इसमें 360 डिग्री पर घूम घूम करके खाना पकता है। इसके बगल में है डिहाइड्रेट वाला, ये ऑप्शन ये बहुत अच्छा है। ये किसी भी चीज़ के मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमें धनिया पुदीना इन सब चीज़ों को सुखाना है या किसी फ्रूट्स को सुखाना है तो ये आप बटन का यूज़ कर सकते हैं। इससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बढ़िया सूख जाती हैं सारे हर्ब्स वगैरह बनाना हो। अगली जो की है ये है की वॉर्म की, इसमें आपने कुकिंग की है तो खाना को गर्म करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो की दी गई है ये होती है फ्रोज़न फूड कुकिंग की। फ्रोज़न फूड को पहले डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये पहले फूड को डीफ्रॉस्ट करता है फिर उसके बाद कुकिंग करता है। नीचे आप 3 की देख रहे हैं तो जो पहली है ये होती है लाइट की, इसको ऑन करके नीचे जो है लाइट जल जाएगी। और ये जो ऑन ऑफ की होती है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, इसके बाद इसको दबा दीजिए। जैसे आपने ये टेम्परेचर सेट कर लिया फ्रेंच फ्राइज के लिए और इसको आप जैसे ही पुश करेंगे ऑन ऑफ वाला बटन तो ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा।
अब जो इसमें थर्ड की दी गई है ये होती है रोटेशनी की। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो जो कुकिंग हो रही है वो 360 डिग्री पर होने लगेगी, यानी कि घूम घूम करके सारी चीज़ें इसमें कुक होंगी। तो ये तो थे कंट्रोल पैनल के फंक्शन। अब इसके साथ आपको बहुत सारी एसेसरीज भी मिल जाती है, तो आइए एक एक करके इनको भी जानते हैं और इनके फंक्शन भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलती हैं दो मैस रैक। तो दोनों ही आप एक बार में चाहे तो एयर फ्रायर में अरेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग कर सकते हैं। इसमें आप केक, पिज़्ज़ा या किसी वेजिटेबल या फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करना हो या इसमें चिप्स या कोई क्रिस्पी स्नैक्स बनाना हो तो आप इन मैस रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, इसमें मिलती है आपको रोटेसरी बास्केट। तो इस बास्केट में आप जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाना हुआ या नट्स को रोस्ट करना है, पापड़ भूनने हैं या इस तरह के स्नैक्स को आपको बनाना है तो आप इसको बस एयर फ्रायर में अरेंज करिए और जो रोटेसरी वाली की है इसको ऑन करिए, जिससे ये 360 डिग्री पर कुकिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये देख रहे हैं ना आप किस तरह से ये घूम रहा है, तो ऐसे घूमते हुए ही चारों तरफ से इसमें कुकिंग होगी। अब इसके साथ मिलती है आपको स्क्वायर शेप की ये बास्केट और इसको पकड़ने के लिए इस तरह से एक होल्डर मिल जाता है, जिसकी क्लिप को अलग करके इसको आप दबाएंगे और इसमें फिट करके इस क्लिप को वापस लगाएंगे, तो जिससे ये अच्छे से फिट हो जाता है और अब आप इसको एयर फ्रायर में बहुत ईजली रख भी सकते हैं अंदर और निकाल भी सकते हैं। तो इस बास्केट में आप पापड़, फ्रेंच फ्राइज या बहुत सारे स्नैक्स बना सकते हैं। अब इसमें आपको मिल जाता है रिमूवल टूल। इसका यूज़ बस इतना है कि आपकी जो मैस रैक है या जो रोटेसरी बास्केट है उसको आप निकाल सकते हैं और इसकी मदद से लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाती हैं जिससे ये दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपको मिलती है एक ड्रिप ट्रे। इसको आपको सबसे नीचे रखना है और इसके बाद आप कुकिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ गिरेगा नीचे तो आपके एयर फ्रायर गंदा नहीं होगा, इसमें ही आ जाएगा, जिससे क्लीनिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसमें मिलती है रोटेसरी साफ्ट। तो ये जो रोटेसरी रॉड है ना, इसमें आप चिकन, पनीर टिक्का वगैरह बना सकते हैं। तो बस आपको चिकन में इस रॉड को फिट करना है और ये जो साफ्ट इसमें दिए गए हैं ना, साथ में दिए गए स्क्रू से इसको अच्छे से कस लेना है और इसके अंदर इस रॉड को फिट करने के लिए दो आपको होल दिए गए हैं तो इसमें आपको फिट करना है। फिर आपको रोटेसरी की को ऑन करना है और जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये देखेंगे कि रोटेसरी साफ जो है ये किस तरह से 360 डिग्री पर घूमना स्टार्ट हो गई है। तो जो चिकन है या पनीर टिक्का है वो बढ़िया धीमे धीमे घूमते हुए अच्छे से कुक होता है। साथ ही में आपको दो मिट्स मिल जाते हैं जिनको आप हाथों में इस तरह से पहन करके किसी भी गर्म ट्रे या रैक को निकाल सकते हो। अब इसमें आपको स्क्रूबर सेट मिल जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रोटेसरी रॉड थी ना उसमें हम ये जो व्हील दिए गए हैं ना इनको हम फिट करेंगे। तो इसमें दिए गए नॉब से हम इसको अच्छे से कस लेंगे। अब ये जो पतली पतली स्टिक दी गई है ना, तो एक स्टिक को लेंगे और इस तरफ भील में होल्स दिए गए हैं तो इस होल के अंदर स्टिक को डालना है और दूसरी तरफ इसको फंसा देना है। तो इसी तरह से हम सारी स्टिक को अरेंज करेंगे। तो हमने सभी स्टिक को अरेंज कर लिया है और इसमें रिमूवल टूल की हेल्प से इसको हम लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है और रोटेसरी मोड हम ऑन कर देंगे। टेम्परेचर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं रेसिपी के हिसाब से या दिए गए हैं उस हिसाब से, तो देख सकते हैं किस तरह से 360 डिग्री पर ये घूम रहा है। तो इसमें भी आप चिकन, पनीर टिक्का और भी तरह तरह की रेसिपी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी एसेसरीज जो कि इसके साथ आई थी। अब मैं आपको कुछ रेसिपी फटाफट से बना करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों के पसंदीदा अंकल चिप्स, जिसे हम ऑयल फ्री बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बनाने वाले हैं। तो बस इसके लिए हमने दो आलूओं को छील लिया है और ये हमने ले लिया है ठंडा पानी। कोशिश करिए फ्रिज का पानी ले लीजिए और आलूओं के हम चिप्स कटर की मदद से चिप्स कट कर लेंगे। अब हम इन्हें किसी कपड़े पर फैला करके अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे और वापस इसको मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें नमक डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्च या कोई मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इन चिप्स को हम मैस रैक पर अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर दो रैक मिलती हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो दोनों रैक में भी चिप्स बना सकते हैं। अब फटाफट से इस रैक को हम एयर फ्रायर में अरेंज करते हैं। अब हम इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेट कर देते हैं घटा करके और टाइमिंग इसकी 10 मिनट कर देते हैं। तो वैसे तो इसमें मेन्यू दिए गए हैं, आप अपनी रेसिपी के हिसाब से अगर टाइम पता नहीं है, टेम्परेचर पता नहीं है तो सेट कर सकते हैं।
अब इसमें जो ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया गया है विंडो में, वहाँ से आप इनको देख भी सकते हैं कि ये किस तरह से बेक हो रही हैं। थोड़े ही मिनट्स में आप देखेंगे, 10 मिनट के अंदर ही सारी चिप्स बहुत अच्छे से बेक हो चुकी हैं और बन करके बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इनकी आवाज़ सुनिए, ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे और अब मैं आपको इनको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। खास बात ये है कि ये बिना तेल के हैं। बाज़ार में जो चिप्स खाते हैं बच्चे, उनमें तेल ही तेल रहता है, पता नहीं कैसा तेल इस्तेमाल करते हैं। तो घर पर विदाउट ऑयल ही आप चाहे तो थोड़ा बहुत ऑयल इसमें स्प्रे कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चिप्स बन करके तैयार हुई हैं। तो सिर्फ 10 मिनट में ढेरों चिप्स बना करके तैयार करें। अब हम इसमें पापड़ तलेंगे, यानी कि बिना तेल के भूनेंगे। तो इसके लिए जो स्क्वायर रैक थी मैंने बास्केट, उसमें पापड़ों को रख दिया है। आप जो रैक मिली थी ना दो, उसमें भी रख सकते हो। और इसको हम अंदर रख देते हैं और टेम्परेचर इसमें बहुत ही कम ज़रूरत होती है, तो मैं 105 या 100 ऐसे कर देती हूँ 3-4 मिनट के लिए। और देख सकते हैं पापड़ कितने क्विकली, 4 मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ 2 मिनट ही लगे, बहुत अच्छे से पापड़ भुन करके रेडी हो चुके हैं बिना तेल में तले हुए। देखिए कितने हेल्दी होते हैं, सभी लोग पापड़ खाना पसंद करते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा सभी के लिए। तो अब हम इसमें बनाएंगे मूंगफली की नमकीन, जो कि हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, बहुत ही महंगी होती है और हेल्दी भी नहीं होती। तो आइए देखते हैं। 1 कप मूंगफली लेंगे और इसमें पानी डाल करके 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इस मूंगफली को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच बेसन, चुटकी भर इसमें हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तीखेपन के लिए थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, चुटकी भर इसमें हींग डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि ये गीली है मूंगफली, तो अच्छे से अपने आप ही बेसन में कोट कर लेंगी। अब जो नमकीन है इसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी रूखी रूखी ड्राई सी लगेंगी, इसलिए मैं बिल्कुल मॉइस्चर के लिए हल्का सा तेल डाल देती हूँ। आप चाहे तो जब बनाए ऊपर से थोड़ा सा तेल को स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मिला दूंगी तो बाद में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देख सकते हैं मसाले और बेसन अच्छे से कोट हो चुका है मूँगफली में। अब जो बास्केट थी उसके नीचे मैंने फॉइल पेपर या कोई बटर पेपर बिछा लीजिएगा और इसमें हम मूंगफली को अच्छे से फैला देते हैं। अब हम इसको एयर फ्रायर में अरेंज करेंगे और टेम्परेचर को सेट कर देंगे। तो 15 मिनट में हमारी क्रिस्पी सी मूंगफली की नमकीन या मूंगफली स्नैक्स बनकर के तैयार है, जो कि हम मार्केट से लेकर के खाते हैं। और घर पर देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो सच में फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतने कम तेल में या बिना तेल के भी आप इसको बना सकते हैं। कितनी क्रिस्पी और टेस्टी मूंगफली नमकीन बन करके तैयार है। तो टी टाइम स्नैक्स रेडी है, जब भी मर्जी हो फटाफट से बना सकते हो। अब इसमें आपको जो डिहाइड्रेट का ऑप्शन मिला था ना, उसका देखिए यूज़ मैं बता देती हूँ। रोटेशरी का तो मैंने बता दिया है। तो जैसे कई बार क्या होता है, धनिया पुदीना या बहुत सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं जो हम लोग घर पर कसूरी मेथी हुआ बनाना पसंद करते हैं। तो देखिएगा किस तरह से 3 से 4 मिनट में आप ढेर सारे हर्ब्स बना करके तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी ले लिए हैं, गर्मियों में कई बार अच्छे टमाटर नहीं आते हैं, तो आप पहले से ही इनको इस तरह से सुखा करके रख सकते हैं। तो आपको इसको मैश रैक में अच्छे से फैला लेना है और इसको बंद करने के बाद ये जो डिहाइड्रेट वाला की है ना, उसको ऑन कर देना। ये अपने आप ही टाइमिंग ले लेगी। तो 30 डिग्री इसने टेम्परेचर लिया है सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखा आपने, सिर्फ 2 मिनट में ये सारी धनिया जो है और टमाटर है वो सूख जाएंगे, और 30 डिग्री के टेम्परेचर पर। तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है कि कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर हवाएं चल रही हैं, क्योंकि एयर फ्रायर का मतलब ही है कि अंदर गर्म हवा निकलती है। तो जब इसका टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो हम इस रैक को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से धनिया और टमाटर दोनों ही मॉइस्चर खत्म हो चुका है, सूख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो कई बार हरा धनिया नहीं होता है, तो इस तरह से पुदीना धनिया को आप सुखा करके साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैं क्रश करके भी दिखाती हूँ कि कितना फाइन पाउडर बन गया है। तो इस तरह से इसके नेचुरल कलर भी बिल्कुल नहीं गया और इसके जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो भी नहीं ख़त्म होते। और जो टमाटर हैं, ये देखिए इनका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इनको ऐसे ही गोल गोल स्लाइसिस में आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो हर्ब्स वगैरह हैं सुखा करके रख सकते हैं। तो ये जो डिजिटल एयर फ्रायर है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से इसका काम है।
तो अगर आपके पास ओवन भी नहीं है ना, तो सारे काम आपके इसमें ही हो जाएंगे। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।